कि कितना गंदा फिल्टर है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से धोने की कोशिश करते हैं, वॉश करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर हो गई है इस तरह से ही पड़ा हुआ है। अगर हम जब कपड़े वॉश करेंगे उसी वक्त इसको साथ ही वॉश कर लेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा इसको वॉश करने में, तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से वॉश किया जा सकता है, ठीक है जी। ये मॉडल आप देख सकते हैं, इस मॉडल की मैं नीट एंड क्लीनिंग करने जा रहा हूँ। तो ये वाला हम फिल्टर को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, इनको हम करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही अगर देख लें, मैं अगर खोलने की कोशिश करूँ तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा ये देखें कचरा है, ठीक है जी, गर्दो गुबार है। तो इनको हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो वॉश करने हैं हमने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ठीक है, मैंने पाइप चला दी है, उसको जो गर्दो गुबार लगा हुआ है उसको वॉश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार उतर भी गई है, तो मज़ीद भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दूसरा फिल्टर है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतर जाएगी। इसको नीट एंड बिल्कुल क्लीन करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट कपड़ों को वॉश करें तो हमें मसला ना आए, ठीक है जी। जो जो नए कपड़े धोएंगे उनमें जो नया कचरा निकलेगा उसी को भी इसी तरीके से आप लोगों ने वॉश करना है लाजमी तौर पर। तो चलें, मज़ीद वीडियो को पॉज करता हूँ और इनको नीट एंड क्लीन करके आप लोगों को दिखाता हूँ।